तो फाइनली मेरे 1K सब्सक्राइबर हो गए हैं, एक माइलस्टोन कंप्लीट मेरा हो चुका है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरे 1K सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट हुए। मीन कि जब एक नया यूट्यूबर यूट्यूब पे आता है तो वो कैसे अपने सब्सक्राइबर कंप्लीट करता है, ये सारी जर्नी मैं आपको बताऊंगा अपनी, कि मेरे 1K सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट हुए, क्या अप्स एंड डाउन्स आए 1K सब्सक्राइबर में, तो सारी चीज मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। सो लेट्स गो स्टार्टेड 1K सेलिब्रेशन। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? होप सो यू विल बी ऑल फाइन। एक न्यू यूट्यूबर के लिए 1K सब्सक्राइबर हासिल करना एक बहुत बड़ा मकाम रखता है। मैं आज आपको बताता हूँ कि मेरा 1K सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट हुआ है, मैंने कैसे कैसे सब्सक्राइबर हासिल किए, हाउ टू गेट, मतलब आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि हाउ टू गेट 1K सब्सक्राइबर तो आपको बहुत सी वीडियोस मिलेंगी, लेकिन उन वीडियोस का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि असल सब्सक्राइबर वही होता है जो आपकी वीडियो को देख के आता है। अगर उसको आपकी वीडियो पसंद आए और वो क्लिक करे सब्सक्राइब पे, असल सब्सक्राइबर वो होता है, फ्यूचर में वो ही सब्सक्राइबर आपको काम आता है। क्योंकि जो सब्सक्राइबर होते हैं ऐसे ही, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, वो एक दफ़ा वीडियो देख लेंगे, दो दफ़ा वीडियो देख लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दफ़ा वीडियो देख लेंगे, लेकिन उसके बाद आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे। ये मेरे साथ हुआ है, मतलब कि कुछ सब्सक्राइबर जो है वो मेरे मतलब कि डिक्रीज़ भी हुए हैं, वो सारे मैं आपको डिटेल बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने 10 अक्टूबर को अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था और उसी दिन मैंने अपनी पहली वीडियो डाली थी। वो वीडियो मेरी थी, एक बोया माइक लेना था, हमने रिव्यू के लिए जाना था, मैं था और मेरा दोस्त था। मुझे पता नहीं था कि कैमरे को कैसे फेस करना है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल वेरी 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 फर्स्ट टाइम मैंने वो वीडियो बनाई थी। मुझे नहीं आइडिया था कि कैमरे को कैसे फेस करना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें हैंडल करनी है, लेकिन खैर स्टार्ट किया मैंने और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 1K सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, तो अब आपको मैं बताऊंगा कि यूट्यूब पे आने से पहले मैंने एक टारगेट रखा था कि मैंने कम से कम 6 to 8 मंथ के अंदर अपने 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। 6 to 8 मंथ के अंदर तो कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 मंथ के अंदर अंदर मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि मेरे फर्स्ट मंथ 223 सब्सक्राइबर मेरे आए थे अक्टूबर के महीने में, क्योंकि उस वक्त नया नया जोश था, नया नया चैनल था। ये जो मेरे सारे सब्सक्राइबर्स हैं, ये मतलब कि रियल सब्सक्राइबर नहीं है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे इतने व्यूज़ नहीं आते जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, ये सारे सब्सक्राइबर डेड हो चुके हैं। तो आप लोग भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऐसे सब्सक्राइबर हासिल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अक्टूबर में मेरे 223 सब्सक्राइबर आए थे, उसके बाद नवंबर में मेरे 118 सब्सक्राइबर आए थे, और उसके बाद दिसंबर में मेरे 153 सब्सक्राइबर आए थे, जनवरी 2021 में मेरे 171 सब्सक्राइबर आए थे, और फरवरी में मेरे 34 सब्सक्राइबर आए थे, और मार्च में मेरे 108 सब्सक्राइबर आए थे, और उस वक्त तक मुझे 6 मंथ हो चुके थे और मेरे टोटल सब्सक्राइबर हो चुके थे 806। ठीक हो गया, आप लोग काउंट भी कर सकते हैं साथ साथ, 806 सब्सक्राइबर मेरे हो चुके थे जब मुझे 6 मंथ हो चुके थे। अप्रैल में मेरे 81 सब्सक्राइबर फिर आए, और मई में मेरे 99 सब्सक्राइबर आए, और फाइनली मेरे 986 सब्सक्राइबर हो चुके थे मई में। आगे जून में मेरे 41 सब्सक्राइबर आए, इस तरह मेरे टोटल सब्सक्राइबर 1027 हो चुके थे, मतलब कि 1K प्लस सब्सक्राइबर मेरे हो गए थे जून में, मतलब कि 9 मंथ के अंदर अंदर मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके थे। और अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने वीडियोस टोटल कितनी डाल ली थी। पहला महीना था उस वक्त, आपको पता है जब नया नया बंदा यूट्यूब चैनल बनाता है तो बंदे को एक जोश होता है कि बंदा वीडियोस पे वीडियो डाले, वीडियोस पे वीडियो डाले, तो मैंने भी इसी तरह किया, लेकिन इसी तरह नहीं करना चाहिए, एक कंसिस्टेंसी के साथ चलना चाहिए। अगर आप एक वीक में एक वीडियो डालते हैं तो एक वीडियो ही डालें, अगर आप एक वीक में दो वीडियोस डालते हैं तो फिर दो वीडियोस ही डालिए, मतलब कि जब तक आप कंसिस्टेंसी से चलेंगे तो YouTube आपको प्रमोट करेगी। सो पहले मंथ मैंने 11 वीडियो अपलोड की, फिर दूसरे मंथ मैंने 10 वीडियो अपलोड की, फिर तीसरे मंथ मैंने 7 वीडियो अपलोड की, और फिर चौथे मंथ मैंने 8 वीडियो अपलोड की, इसी तरह फिर मैंने 6 वीडियो अपलोड की, फिर मैंने दोबारा 6 वीडियो अपलोड की। यार ये मक्किया एक सेकंड अच्छा तो हाँ पर हट नहीं, अच्छा एक मिनट यार, एक मिनट सिर्फ, वो डाटा भी आने, डाटा तो ऑफ कर लवा, एक मिनट सबर कर, छड़ नहीं वीडियो ने
डाटा ऑफ हो गया तो मक्खी भी तंग कर दी। असल जो पक्खा बंद किया है यार, गर्मी बड़ी है, नहीं मिला छड़ा के याद दियो। हेलो कितना अपने आज चौथे मंथ। अच्छा, पांचवें मंथ मैंने 6 वीडियो अपलोड की, छठे मंथ मैंने 6 वीडियो अपलोड की, और सातवें मंथ मैंने फिर 9 वीडियोज अपलोड की, और फिर 8वें मंथ मैंने 6 वीडियो अपलोड की। और फिर मतलब कि मेरे साथ एक इशू बन गया था, आप लोगों को मैंने बताया था कि एक इशू बन गया, जिसकी वजह से फिर मैंने 9वें मंथ 3 वीडियो अपलोड किए, और फिर इसी तरह 3 वीडियो। तो अब जो है मतलब कि रेगुलर वीडियोस अपलोड करेंगे। तो ये मेरी जर्नी थी। इसी तरह मेरे सब्सक्राइबर डाउन भी हुए थे, मतलब कि जो सब्सक्राइब करते हैं और फिर अनसब्सक्राइब करते हैं। तो ये मेरा जो पहला सब्सक्राइबर जब मेरा डिक्रीज हुआ था वो था, एक सेकंड, ये मैंने यार रखा हुआ है, देख लें रजिस्टर, इसके ऊपर सारी स्टोरी लिखी हुई है, ये देखें मतलब कि कितने मेरे सब्सक्राइबर वगैरह सारे हुए थे, डाउन हुए थे, ये आप देख सकते हैं। तो अच्छा, मेरा पहला सब्सक्राइबर जो डिक्रीज हुआ था वो हुआ था 26 दिसंबर 2020 को, मेरा एक सब्सक्राइबर चला गया था, छोड़ के चला गया, चला गया। अच्छा, तो फिर जनवरी में मेरा कोई सब्सक्राइबर डिक्रीज नहीं हुआ, फिर आया फेब्रुअरी, फेब्रुअरी में तो मेरी बर्थडे है यार, इसमें तो नहीं डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन इसमें मेरे 3 सब्सक्राइबर, पूरे 3 सब्सक्राइबर डिक्रीज हो गए, मतलब कि चले गए। फिर अप्रैल 24 को मेरा, नहीं मेरे 2 सब्सक्राइबर चले गए। जब मेरे मतलब कि ना 6 मंथ हुए तो मेरे टोटल सब्सक्राइबर 806 थे, और टोटल वीडियो मेरी 48 पोस्ट हुई हुई थी। जब मुझे 9 मंथ हुए तो उस वक्त मेरे सब्सक्राइबर थे 1027, एंड मेरी टोटल वीडियोस हो गई थी 66, मतलब कि 66 वीडियोस मेरी हो गई थी 9th मंथ के अंदर, मेरा सब कुछ कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट। सो फाइनली अब तक मेरी राउंड अबाउट 75 वीडियोस हो चुकी हैं, इनमें शॉर्ट्स भी हैं, लॉन्ग्स भी हैं, व्लॉग्स भी हैं, इंटरव्यूज भी हैं, ठीक है। अच्छा, और टोटल मेरे जो सब्सक्राइबर डिक्रीज हुए हैं, माइनस हुए हैं, वो मेरे 12 सब्सक्राइबर माइनस हो गए हैं। कोई बात नहीं, 12 नहीं आ जाएंगे। सो फाइनली गाइस, मुझे सपोर्ट कीजिए, कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। ओके, सो ये मेरी जर्नी थी 0 to 1 के सब्सक्राइबर की, कि कैसे मैंने गेन किए 0 से 1000 सब्सक्राइबर। सो आप लोग भी इसी तरह गेन कर सकते हैं, जब तक आप लोग एक टारगेट सेट नहीं करेंगे, अपना एक टारगेट सेट करें। मतलब कि मैंने टारगेट सेट किया था 6 से 8 मंथ के अंदर मैंने सब्सक्राइबर हासिल करने हैं, चाहे जैसे भी हो जाए। सो मैंने कर लिए। मैंने कैसे किए? मैंने पहले तो अपने मतलब के सारे फ्रेंड्स को कहा कि भाई सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। उसके बाद मैंने लिंक शेयर करना शुरू कर दिए, धड़ाधड़, ऐसे नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो बंदा मुझे मिलता उसका मैं डाटा ऑन करता, अपना चैनल मतलब के निकालता, उसको फिर सब्सक्राइब करता, ठीक है। इस तरह कुछ किए। उसके बाद मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया, जिसमें आ जाता है फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, इन सब पे मैंने अपने चैनल की बहुत ज़्यादा प्रमोशन की, मतलब कि वहाँ से मुझे अच्छे खासे मतलब कि ना सब्सक्राइबर गेन हुए। हाँ, इसके बाद आ गया टिकटॉक, टिकटॉक पे मेरी वीडियोस वायरल हुई, टिकटॉक पे जैसे ही मेरी वीडियो वायरल हुई वहाँ पे मैंने लिंक लगा दिया अपने यूट्यूब चैनल का, तो वहाँ से मुझे जो है ना काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मिले यूट्यूब चैनल पे, टिकटॉक से। अच्छा जी, इस तरह फिर आ जाते हैं स्नैप पे, स्नैप पे भी मैंने वीडियोस डाली, अपने व्लॉग्स की क्लिप डाले, वहाँ पे भी पता नहीं मुझे सब्सक्राइबर आए थे या नहीं आए थे, या मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ से आए थे, लेकिन आ तो गए ना यार, सब्सक्राइबर है अगर। अच्छा जी, तो ये मेरी जर्नी थी, कैसी लगी आपको मेरी जर्नी? इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। तो वीडियो मेरे ख्याल में काफ़ी लेंथी हो गई है, तो फिर क्या कहते हैं, नए व्लॉग में मिले। यार मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपसे बातें करता जाऊँ, बहुत सी बातें बातें बातें, जो मुझे नहीं आती वो भी मैं बातें करता रहूँ, क्योंकि अब तो 1K सब्सक्राइबर हो चुके हैं हमारे। सो गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय, बाय बाय बाय, गुड बाय, गुड बाय, बाय बाय बाय, गुड बाय। अच्छा जी, तो आपको लग रहा होगा कि मैंने इस वीडियो में काफ़ी फ्लपर्स मारे हैं, मतलब कि छक्के मारे हैं, वो भी ज़रा मुलायजा फरमा फरमा लीजिए ये वाली जी। तो बात करते हैं 1K सब्सक्राइबर हासिल करना, मतलब कि एक गोल। एक न्यू यूट्यूबर के लिए 1K सब्सक्राइबर हासिल करना, एक मिनट,
एक मिनट यार, गला बह गया बोल बोल के, गर्मी बड़ी। सो फ्रेंड्स, मैंने 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था। तो मेरे 10 अक्टूबर को मैंने, तो अब आपको मैं बताऊंगा कि मेरे जैसे ही, मतलब कि मैंने एक टारगेट रखा था। अच्छा, मैंने एक टारगेट रखा था, यूथ हो चुके थे। इसी तरह मेरा टाइम वाइज सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके थे।